हेलो और कैसे आप लोग सब बड़े होंगे, मजे मांगे भाई आपको भाई फुल मजे में। और आज जा रहे हैं अपने स्कॉर्पियो की डिलीवरी लेना। डिलीवरी बता रहा हूँ, नई गाड़ी तो हम ले चुके हैं, उसके बाद जो पीपीएफ वगैरह है कराई है और उसकी डिटेलिंग कराई है, तो उसकी डिलीवरी लेना है। फोन आ चुका है लॉर्ड्स ऑफ डिटेलिंग वालों के, तो वहाँ गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है। अभी पता है क्या है, अजर भाई वहाँ खड़े हैं, पापा भी आए हैं, पापा कुछ बात कर रहे हैं। यहाँ पे कल जो हुआ है ना शीशे की फिल्मों का, उसके बारे में बात करनी है। अभी पापा टेस्ट कराने गए थे कल, जो डॉक्टर के दिखाया था ना उसकी टेस्टिंग के लिए गए थे। हाँ जी अजर भाई, पापा क्या करते इस फिल्म को लेके क्या करते? अरे बहुत मजा बना दिया इन्होंने भाई, कंपनी को भी ऐसा काम करना चाहिए। कंपनी ध्यान नहीं दे रही, ध्यान नहीं दे रही, ये तुम्हें देना चाहिए। तुम्हारा तो भी अरबों का प्रोजेक्ट होगा। एसी की जरूरत नहीं, काले शीशे करा लो। कंबल नहीं, कंबल लेके चलो साथ में, या स्वेटर पहन के चलो। सच्ची बात है, सही है। पापा के जैकेट बंद करना पड़ेगा, ऐसी वैसी फैन वैन सब बंद करने पड़ते हैं, शीशे नीचे करने पड़ते हैं, शीशे नीचे करने पड़ते हैं बाहर की गर्मी के लिए। हाँ ना, बाहर की थोड़ी सी हमने खोल दी थी शीशे, ताकि इतनी गर्म हवा है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई थी गाड़ी अंदर से। अब यहाँ से चलना है, कितनी देर में निकलना है? कुछ खा लेते हैं, वरना लंच अगर बाहर जाते हैं ना फिर खाना पीना हो नहीं पाता है। मंगा रहा हूँ कल का भाई तैयारी चल रही है। अभी पापा टेस्ट करा के आए, ECG वगैरह सब कुछ करा के आ गए, बट ECG की रिपोर्ट वो गलत आई है, उनकी मशीन खराब थी, तो शाम को दोबारा होगा। बाकी ब्लड टेस्ट हो गया सब, ठीक है। फिर अभी थोड़ी देर में खा पी के फिर निकलते हैं यहाँ से। सुबह लोग निकलने का टाइम हो चुका है भाई, कैब भी आ चुकी है, खाना वाना मस्त खाली बिरयानी मंगा के अभी अपनी कैब जुगाड़ ले रखा है भाई। जुगाड़ क्या है मतलब, ठंडा बोतले लिया ताकि जाने में गला सूख रहा है यार, थोड़ी सी बाहर आती है इतना बुरी तरीके से गला सूख रहा है। लो भाई ये लो, ठंडा पियो। नहीं पियो भाई। अरे लो यार कोई नहीं, OTP चाहिए होगा? एक मिनट भाई, दोस्तों अपने कान बंद कर लो, OTP बताते नहीं किसी को। 1632 अगर सही टाइम से पहुंच गए ना, थोड़ा वहाँ पे थोड़ा टाइम वहाँ पे भी लगने वाला, गाड़ी चेक करना है, कुछ कुछ नहीं हुई तो वो भी चेक करेंगे। सही टाइम से आ गए तो ट्रैफिक जाम में नहीं फंसेंगे, वरना बहुत बुरा जाम में फंसने वाले हम लोग। तो भाई लोग ऑलमोस्ट लगभग पहुँच चुके हैं, ये सामने की तरफ और देख रहे हो, यू टर्न लेके आना पड़ेगा। मैं मस्त दोबारा से सो गया, बढ़िया। अदर भाई आप सोए थे? नहीं मुझे नींद नहीं आई यार। आप वही जहाँ मर्जी सोया था, जैसे मर्जी चले, ठीक है। शुक्रिया भाई। जाते हुए आपको लगे मैं तो मस्त एसी में होऊंगा। वो खड़ी अपनी भाई स्कॉर्पियो अंदर, पता नहीं अंदर आपको दिख रही होगी अभी या नहीं दिख रही होगी, मगर ज़्यादा पर ठंडा पानी कुछ पीना है। क्या भक्का हो रहा है यार, बढ़िया कर दिया। वो खड़ी अपनी इंटरसेप्टर, खड़ी अपनी स्कॉर्पियो, चलता काम। क्या भाई जी चमक रही है भाई सेट। अभी यहाँ का थोड़ा काम निपटाते हैं, ठीक है, काम निपटा फिर आपको तसल्ली से गाड़ी चेक कराता हूँ पूरी, कैसी हुई है क्या है, थोड़ा समझो भावना को समझो, फीलिंग को समझो, थोड़ा सा बातचीत कर ले 1-to-1, फिर आपसे बात करें। सो दोस्तों हो गया यहाँ का सारा काम, और अजर भाई रेडी होगा यहाँ से जाने के लिए। क्या कह रहे हो, कितने टाइम पहले पहुँचोगे? एक घंटा पहले। अभी भाई साथ चलो चुपचाप से, देख रहे हो भाई कितना ये छोड़ के जा रहे हैं भाई को भी। कह रहा है भाई साथ चलना, प्लीज़ साथ चलेंगे भाई। कहो तो मैं AC बंद कर दूंगा भाई। भाई अपनी गाड़ी देखो ये कैसे चलना चल रही है ना, यहाँ पे अपनी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अलग ही क्लास है भाई, बढ़िया है। बाकी डिटेल वीडियो यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी, एंसर मोटरसाइकिल वाले चैनल पे, प्रेंसियर मोटरसाइकिल्स के इंस्टाग्राम के पेज पे। पूरी यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ है भाई, सूर्य पूरे जो है ना सिंगल पीस में आएंगे। कल पापा को मस्त इस पे ले जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नौ प्लेट टूटे, नौ प्लेट लगवानी है। हाँ जी नौ प्लेट क्या करना है? नहीं लगानी नहीं लगवानी मतलब नहीं लगवानी नहीं, ये इसकी बात तो मतलब। बाकी भाई लोगों ने ये भी बना रखी, देखो बुलेट को अगर किसी को PPF कराना है ना, बढ़िया करके देखो, जरूरी होता है प्रिंट फोटो फिल्म जो होती है, बहुत काम की चीज़ है। यहाँ तक तो साथ चल दो भाई, निकल लेगा मैं पहले बता रहा हूँ। बहुत अलग ही आ रही है। अभी ये है कि 5 साल तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो थोड़ी बहुत स्क्रैचेस भी लग जाती है ना उससे भी कोई टेंशन नहीं है, कपड़ा कैसा अभी मार लो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ से चलते हैं भाई ट्रैफिक में, देखते हैं कैसा मिलने वाला है ट्रैफिक। ओके मिली मैम, बहुत अच्छा लगा मिलके। बाकी अगर कोई भी गाड़ी लेता है भाई, अगर क्या भाई मैं दुआ करूँगा हर कोई गाड़ी ले, नई हर कोई जैसे गाड़ी है, अगर वो पिकअप कराना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, बाकी स्क्रीन पे नंबर देख लो मिली मैम का, ठीक है, कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है भाई जी मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच चमाचम रखने के लिए, 5 साल की टेंशन फ्री, गाड़ी मेरी चमकती रहेगी, ठीक है चलते हैं फिर। अब अजर भाई तो यहाँ से निकल गया भाई, जैसे DLF वाले रोड पे आए, मैंने पहले क्या मैंने कहा जाओ आप जाओ, कह रहे भाई रास्ता नहीं पता यहाँ से, मैंने कहाँ जाओ, कह रहे DLF पे आते ही मुझे DLF तक छोड़ो उसके बाद तो मैं निकल लूँगा। वही और जैसे DLF को गोल चेक कराया, रोड स्टार्ट हुआ, उन्होंने कहा भाई मैं जा रहा हूँ, मैंने ठीक है भाई। और अभी से ट्रैफिक इतना जाम है कि आते हुए जो रास्ता 1 घंटे का था वो रास्ता 1.5 घंटे का हो चुका है। बाकी जाम बहुत अच्छा मिलने वाला है, हटो बच वाला जाम मिलने वाला है। अदरवाइज कह रहे हैं कि घिटोरनी वाले रास्ते से आ जाओ, जो छतरपुर वाला रास्ता है ना उसी से आओ, वो उसी से गए। कट लेने से पहले पूछ लूंगा अदरवाइज से कॉल करके कि भाई क्या रिपोर्ट है उस रास्ते की। अदरवाइज की कॉल आ गई थी कि भाई घिटोरनी वाला रास्ता पूरा साफ है और ये साफ है। अभी पहली रेड लाइट है अर्जनगढ़ की,
और फुल ट्रैफिक है यहाँ पे। मतलब मेरे ख्याल में रेड लाइट इतने दूर है कि 3 से 3 बार में निकलूंगा जहाँ तक मुझे लगता है। अगर इसका कोई अल्टरनेट होता ना रास्ता गुड़गांव वाला था, फुल जाम मिलने वाला है, तो मैं चाहे वो 30 किलोमीटर फालतू होता, बट हम ऐसी जगह पे रहते हैं जो वो हब आ जाता है पूरा उसका ना, कि मतलब हर कोई इसी रास्ते से गुजरना है। भाई मैं गलत था, एक ही ग्रीन लाइट में निकल गया, ग्रीन लाइट लंबी है यहाँ की, मतलब ट्रैफिक रनिंग है, बट आज गाड़ी लानी बहुत जरूरी थी। मैं सोचा रात को कर लेंगे, रात को नहीं ला पाते, आज की जरूरी इसलिए थी भाई, कल का तो हॉस्पिटल का सीन है, एसी में पापा को बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी। दोस्तों लोगों से बस सुना था, मतलब यार दोस्तों से ही सुना था कि भाई फॉर्चुनर और स्कॉर्पियन को सब साथ में खड़ी करो ना, फॉर्चुनर छोटी लगती है। वो मैंने अभी देख रहा हूँ, स्कॉर्पियन वो रही, फॉर्चुनर ये रही। अभी तो ये पास कैमरे के एंगल से लग रहा होगा भाई ये बढ़िया, बट लाइव देखने में भाई वो जहाज लग रही है इसके सामने, उससे ऊंची लग रही है यार, अलग ही सीन है। कुछ तो बात है, मतलब मुझे अभी तक वरना सही बताऊं आपको फ्रेंकली, मेरा क्लासिक लेने का मन था, क्लासिक लेंगे वही पुराना थोड़ा सा, बट जब अर्जुन भाई ने बोला कि भाई एक बार एन देखो, अजर भाई ने बोला भाई एन देखो, मैंने कहा यार पता नहीं मन मेरा स्कॉर्पियो का ही है क्लासिक का, बट जब देखी ना उसके बाद जब ड्राइव राइ ली टेस्ट राइड ली, जब पता चला यार ये हाँ कुछ तो चीज है ये। मतलब सही बताऊं ना हल्का सा भी मुझे वो फील नहीं हो रहा, गिल्टी फील होता ना यार वो क्यों नहीं ली, मैं खुश हूँ, सर्टिफाई हूँ भाई। अब सोच रहे हैं कोई नेपाल भूटान वाला कोई इंटरनेशनल राइड करी जाए, इससे मजे लिए जाए थोड़े से ऑफ रोड के। अदर भाई की कॉल आ गई, वो पहुंच चुके हैं और मैं पहुंचा हूँ चिराग दिल्ली वाले रास्ते पे। देखो अगर नीचे राइट साइड पूरा चिराग दिल्ली आता है और थोड़ी दूर का रास्ता रह गया है। घर पे खड़ी करूँ या शॉप पे खड़ी करूँ ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि शॉप पे कुछ क्लाइंट्स भी हैं तो उनसे भी डिस्कस करना है, बहुत देर से वेट कर रहे हैं मेरा। फाइनली फंसते फंसाते आ गए, बट अदर भाई को मैंने जब बताया ना मैं पहुंच गया ओखला जसोला के रेड लाइट पे, तो कह रहे भाई इतनी जल्दी कैसे आ गए, उनको उम्मीद नहीं थी कि जहाज के साथ इतनी जल्दी आ जाऊंगा। खैर रास्ता ठीक था, जाम था भी और नहीं भी, मतलब जाम तो था ही खैर, बट निकल ली सही टाइम से आ गए, सही टाइम से पहुंच गए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब भाई भूख लग रही है कुछ मंगाते हैं, गाड़ी जल्दी पार्क करते हैं भाई, अंदर लगाते हैं पार्किंग में। तो गाड़ी खड़ी कर दी भाई अदर भाई, अरे कैसा लगा जल्दी पहुंच के मुझे? बढ़िया भाई तुम जल्दी आ गए, मुझे तो लग रहा था तुम्हें टाइम लगेगा। हाँ ज्यादा फर्क कितना मुश्किल थे, 20-25 मिनट का फर्क आया, 20 मिनट का मुश्किल थे। बाकी भूख बहुत तेज लग रही है, मैंने कॉल अभी इसलिए करी तुम्हें, मैंने टाइम लगेगा तो मैं कुछ खा लूँ, तुमने कहा कि मैं यहीं आ गया, साथ ही खाएंगे, साथ ही खाएंगे भाई। भूख बहुत तेज लग रही है, मतलब पेट में ऐसी जलन मच रही है कि बस कुछ चले जाए, बस पेट के अंदर हो खाना खाए कुछ। तो भाई यार दुकान पर अंकित भाई आ गए, अंकित भाई का कुर्ते पजामे का इतना तगड़ा काम है, सब जगह चांदी चौक पे सब जगह सब चीज का है, सब चीज होगा सिर्फ कुर्ते पजामे का नहीं सब, मतलब कपड़ों का काम है बहुत तगड़ा भाई, डिजाइनर भी हां डिजाइनर भैया भाई भाई बहुत बढ़िया बनाते हैं। अभी क्या लेके आए हो फिर? हिमालयन और एक बोखड़ी, देखिए लगा दी ऊपर, काम चल रहा है, काम चालू भी हो गया। सही है, जो वहाँ से जल्दी भागे ना अंकित भाई वैसे भागे। मैंने कहा भाई अंकित भाई दुकान पे बैठे, चलो भाई वहीं पे क्या खाओगे भाई, मैं तो खाना भी छोड़ के आया हूँ मैं। भूख लग रही, कुछ खाना तो भाई कुछ मंगा लो यार, देख लो जो मर्जी मंगाओ। जब से खाया अब रोल खा रहे हैं, भूख लग रही बहुत तेज। अब सीन ऐसा है अदर भाई, कल का सीन बताओ, चल रहे हो क्या कल यार? मुझे कहाँ पे? गुड़गांव। हाँ गुड़गांव जाना है दोबारा, मजा आएगा ट्रैफिक जाम में। किस टाइम जाना है? मैं 11 बजे निकल जाऊंगा, 12 बजे पहुंचना है। मुझे भी 11 बजे के आसपास निकलना है, हॉस्पिटल जाना है पप्पू लेके, खोल आई थी अभी, एक बजे तक पहुंचना है वहाँ पे। सो दोस्तों आ चुके हैं घर पे, दोनों काम वगैरह निपट चुका है, अब तैयारी करी है कल की, पापा दवाई वगैरह दे दी, अब कल हॉस्पिटल ले जाना है। दुआ करना दोस्तों कल का सब कुछ सेट हो जाए, मतलब साथ करे सारा काम निपट जाए और जल्दी से जल्दी पापा आ जाए, उनका आँख का भी जो ऑपरेशन होना है वो बिल्कुल कामयाब रहे। बाकी अपनी स्कॉर्पियन तो रेडी हो चुकी है भाई, पीपीएफ वगैरह लग के अब क्या काम है, अब उसमें काम है एलॉय व्हील डालना है हमें, साथ में उसमें हेडलाइट चेंज करनी है, साइड मिरर चेंज करने और फॉग लैंप लगाने, ये सब काम करने बाद ये हो जाएगी राइड के लिए रेडी। बाकी दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो आप मिस ना करो, बेल आइकन दो ताकि आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, गुड नाइट।